एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर से करते हैं, जहाँ प्रतापगढ़ के छात्र छात्राओं ने स्क्रीन पर देखा चंद्रयान 3 का नज़ारा। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से 14 जुलाई को चांद की सतह के लिए रवाना किया गया था। चंद्रयान 3 आखिरकार ठीक 41वें दिन बुधवार करीब 6:04 पर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने 23 अगस्त की तिथि स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा दी। इस अद्भुत पल का लाइव प्रसारण बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूली बच्चों, शिक्षकों व तमाम अभिभावकों ने भी देखा। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में भी इस नज़ारे को दिखाया गया। साथ ही साथ जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, प्रतापगढ़ जिले में जश्न का माहौल छा गया। जमकर आतिशबाजी की गई और जुलूस निकाल कर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छू लिया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है, लेकिन भारत के तीसरे मून मिशन का असली काम अब शुरू हुआ है। मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अज्ञात क्षेत्र पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर पहुँचने वाला चौथा देश बन गया। लैंडर विक्रम के पेट से रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ चुका है। अब दोनों मिलकर मून के साउथ पोल का हालचाल बताएंगे। दरअसल विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद अगला बड़ा कदम रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना था। इसरो ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान अब लैंडर से बाहर निकल आया है। यही रोवर घटनास्थल से डेटा को लैंडर तक भेजेगा। लैंडर से ये डेटा अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पास जाएगा। यह सफलता जहां भारत के चंद्र मिशन कार्यक्रम को अगले चरण की ओर ले जाएगी, जिसे चांद पर पहुंचकर वहां के नमूनों को लेकर वापस धरती पर लौटना शामिल है, वहीं अमेरिका के आर्टेमिस 3 मिशन के मार्गदर्शन का भी कार्य करेगी। तीसरे यह मिशन चांद के कुछ और रहस्यों से भी पर्दा हटा सकता है। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को जल्द ही चंद्रयान 4 की तैयारी के लिए हरी झंडी मिल सकती है। इसमें भारत चंद्र विजय अभियान में एक और कदम आगे बढ़ाएगा। इसमें चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर को वापस धरती पर लाने के प्रयास होंगे, यानी रोवर नमूने को लेकर धरती पर लौटेगा। ग्लोबल भारत परिवार के सभी लोगों को चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की ढेर सारी बधाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां छात्र छात्राओं को बताया गया आग बुझाने का तरीका। बता दें कि फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बुधवार को शहर के पूर्वी सहोदरपुर स्थित एकलव्य एकेडमी में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को भी आग बुझाने के विभिन्न तरीके बताए। इस दौरान फायर ड्रिल, मॉक ड्रिल के माध्यम से उन्हें जानकारी दी गई कैसे आपातकाल स्थिति में आग पर काबू पाना है। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी प्रभाकर पांडे, राधेश्याम दुबे, जगन्नाथ सत्यप्रकाश के अलावा अमित सिंह मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अविनाश यादव को लगा एक और झटका, जमानत अर्जी को किया गया खारिज। बता दें कि SC/ST के विशेष अदालत में बुधवार को मानिकपुर थाना क्षेत्र के करेटी गांव में रहने वाले जेल में बंद सपा जिलाध्यक्ष अविनाश यादव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। राज्य की ओर से पैरवी करते हुए ADG सुरेश नारायण सिंह ने विरोध प्रकट करते हुए अपने दलीलों में बताया कि पुलिस के अनुसार अभियुक्त पर लगभग 45 गंभीर मुकदमा पंजीकृत है। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देलोपुर इलाके की खबर की, जहाँ युवक को घर से बुलाकर दबंगों ने पीटा। शिकायत करने के बाद जो भी नहीं हुई कार्रवाई, पीड़ित पहुंचे SP कार्यालय, लगाया न्याय की गुहार। दरअसल मामला देलोपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सेहरुआ गांव का है, जहां के रहने वाले एक युवक को घर से बुलाकर पहले तो पीटा गया, उसके बाद उसे बिजली का करंट भी लगाया गया। सड़क किनारे बाग में फेंक कर दबंग भाग निकले। पुलिस यह कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां SP को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।